नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशो क्या होता है, क्या ये रेशो इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल है या नहीं, इस रेशो का क्या महत्व या क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या इस रेशो की मदद से या इसकी सहायता से मैं अपने निवेश का निर्णय ले सकता हूँ, मतलब किस समय मुझे मार्केट में एंटर करना है, किस समय मार्केट से एग्जिट करना है, क्या ये निर्णय मैं स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशो के हिसाब से ले सकता हूँ। दोस्तों, इस तरह की काफ़ी सारी क्वेरीज मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मिलती हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी क्वेरीज का आंसर जानेंगे और सीखेंगे और समझेंगे कि स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशो क्या होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशो क्या होती है। दोस्तों, जैसे हम PE रेशो का इस्तेमाल करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या कोई स्टॉक या इंडेक्स या मार्केट जो है वो ओवर वैल्यू तो नहीं है या अंडर वैल्यू तो नहीं है, उसी तरीके से इस रेशो का इस्तेमाल भी हम ये जानने के लिए करते हैं कि इस समय जो हमारी स्टॉक मार्केट है क्या वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो दोस्तों, इस रेशो को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि जितने भी पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक्स होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है, उनको ऐड किया जाता है और उसको इंडिया की जो इकोनॉमी की GDP है उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास एक परसेंटेज फिगर आता है, उसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशो। अब दोस्तों, ये जो रेशो है ये हमेशा हम हिस्टोरिकल एवरेज से कंपेयर करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फ्रेश डेटा अवेलेबल नहीं होता। तो जब भी हम ये बोलते हैं कि ये रेशो 60% है, 100% है, 80% है, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हिस्टोरिकली जब ये रेशो इस लेवल पे पहुँची थी तो मार्केट ने कैसा बिहेव किया था। तो उसी हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर ये रेशो मान लो अब 100 को क्रॉस कर जाती है, 100% को क्रॉस कर जाती है, तो पास्ट में जब इस रेशो ने 100% को क्रॉस किया था तो मार्केट ने कैसा बिहेव किया था, क्या मार्केट में करेक्शन आई थी। अब कई बार क्या होता है, अगर आप दूसरे देशों की मार्केट में देखें ये रेशो 150% तक भी जा चुकी है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार ये रेशो एक सेम बिहेवियर फॉलो करे या इसके रेशो के हिसाब से ही स्टॉक मार्केट बिहेव करे, पर ये सिर्फ एक, जिसको कह लीजिए कि एक टूल है जस्ट फाइंड आउट करने का कि इस समय स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है, ताकि हम जो है सावधान हो सकें अगर ये रेशो हिस्टोरिकल एवरेज को क्रॉस कर देती है तो वहाँ पे एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर मैं सिर्फ सावधान हो जाऊँगा। और वहाँ पे एक ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि मार्केट अब इस तरीके से बिहेव करेगी। तो दोस्तों, इस रेशो को इंडिया में कोई जानता भी नहीं था जब तक वॉरेन बुफेट जी, जो स्टॉक मार्केट के गुरु कहे जाते हैं या जिनको एस इन्वेस्टर कहा जाता है या जिनको भगवान कहा जाता है स्टॉक मार्केट का, उन्होंने कहा था कि जो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशो है ये मार्केट की वैल्यूएशन को मेजर करने का एक सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। तो दोस्तों, उनकी स्टेटमेंट के बाद, उनके कहने के बाद काफ़ी जो फंड मैनेजर्स या स्टॉक मार्केट के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने इस रेशो को ट्रैक करना शुरू किया और इस रेशो के बेसिस के ऊपर उन्होंने निर्णय लेने शुरू किए। तो अब दोस्तों, इस रेशो को रीड कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये रेशो 100% से ऊपर चली जाए, मान लीजिए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशो इस समय 102% है, तो उस समय कहा जाता है कि मार्केट अब ओवर वैल्यू हो गई है। अगर ये रेशो 50% या उससे नीचे हो जाती है तो वहां पे कहा जा सकता है कि इस समय मार्केट जो है वो अंडर वैल्यू है। तो दोस्तों, अगर ये रेशो 50% से 75% के बीच हो तो ऐसा कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट इस समय मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड है। अगर 75% से 90% हो जाए ये रेशो तो ऐसा कहा जाता है कि इस समय मार्केट जो है वो फेयरली वैल्यूड है। आपने काफी बार ये टर्म सुनी होगी कि आपके एनालिस्ट कहते हैं कि इस समय मार्केट फेयरली वैल्यूड है। तो वहां पर हर किसी का अपना तरीका है, लेकिन अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशो का इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, तो अगर ये रेशो 75% से 90% के बीच हो तो आप कह सकते हैं कि इस समय मार्केट जो है फेयरली वैल्यूड है। और 90% से अगर 100% के बीच हो तो उस समय कहा जाता है कि इस समय जो मार्केट है वो मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड है।
तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस रेशो का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों उसको जानने से पहले ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपको क्या बताती है, उस समय स्टॉक का प्राइस आपको क्या बता रहा होता है। तो दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको ये बताती है कि जो ये कंपनी है या ये जो जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपने ऐड किया है उनकी एस्टिमेटेड अर्निंग्स क्या हो सकती हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक लेमैन टर्म्स में आपको कंपनीज की एस्टिमेटेड अर्निंग का अंदाज़ा देती हैं। उसी तरीके से जो GDP है दोस्तों वो आपको बताती है कि आपकी जो इकोनॉमी है उसका रेवेन्यू क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशो का क्या महत्व रहता है। दोस्तों इसका महत्व ये होता है कि ऐसी उम्मीद की जाती है या ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो भी स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन और कंट्री की जो GDP है वो एक साथ चलेंगे, मतलब एक दिशा में चलेंगे। अगर कंपनीज की जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ होगी इसका मतलब आपकी GDP भी इंक्रीज़ होगी। अगर आपकी GDP इंक्रीज़ होगी तो एक तरीके से कहा जाता है इसका मतलब कंपनीज जो हैं कंट्री में वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो आप इसको किसी भी नज़रिए से देख लीजिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज़ होगी तो कंट्री की GDP इंक्रीज़ होगी। दूसरे तरीके से कहा जाए अगर कंट्री की GDP इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, इसका मतलब कंट्री की इकोनॉमी अच्छा कर रही है और यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज जो लिस्टेड हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अर्निंग के साथ इंक्रीज होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो ये रेशो है ये आपको बताती है कि जो कंपनी की अर्निंग्स हैं क्या वो देश की GDP के साथ चल रही हैं या नहीं चल रही। अगर अर्निंग्स मान लीजिए GDP से आगे निकल जाएं तो वहाँ पे जो ये रेशो है वो 100% से ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये स्टॉक मार्केट है वो ओवरवैल्यूड होगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये रेशो 50% से नीचे हो जाए तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपकी कंपनी की जो अर्निंग है वो आपकी ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है GDP की, मतलब जो GDP तो ग्रो कर रही है तो जो कंपनी की अर्निंग्स हैं उनके अंदर वो ग्रोथ अभी नहीं दिखाई दे रही। तो इसलिए इस रेशो को काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जाता है। अब दोस्तों इस समय आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस समय ये रेशो हमारी स्टॉक मार्केट के लिए क्या है। दोस्तों जो लास्ट कैलकुलेट हुई थी उसके हिसाब से जो ये रेशो है वो इस समय 95% है। इस समय जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं मार्केट में उनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 151 लाख करोड़ के आसपास है और इंडिया की जो GDP है जो लास्ट आंकड़ा आया था सामने उसके हिसाब से ये वैल्यू 158.6 लाख करोड़ है। तो अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को GDP से डिवाइड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशो है वो 95% है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब दिक्कत ये है कि अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट तो इंक्रीज कर रही है लेकिन जो इंडिया की GDP का ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है या वो थोड़ा नीचे जा रहा है। तो उससे क्या है कि ये जो रेशो है दोस्तों ये इंक्रीज हो रही है। अगर ये 100% को क्रॉस कर जाती है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट इस समय ओवरवैल्यूड हो गई। लेकिन जो हमने जैसे टेबल के अंदर देखा था तो इस समय हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट मॉडेस्टली ओवरवैल्यूड है। तो दोस्तों ये रेशो 90% से कम रहे तो उसके लिए इंडिया की जो GDP है उसको जो कंपनी की अर्निंग्स हैं उसके साथ अपना पेस बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दोनों जो हैं एक साथ चलनी चाहिए, अगर कहीं पे भी मिसमैच होता है तो ये रेशो जो है या तो 100% से ऊपर चली जाती है या वो 50% के आसपास आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि जो ये रेशो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मेनली तीन कारण दिए जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो वो तीन कारण क्या हैं वो हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एनालिस्ट्स का मानना है कि यहाँ पे हम कंपेयर तो कर रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन और GDP को, लेकिन जो कंपनी लिस्टेड हैं या जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या वो आपकी GDP का एक ट्रू रिफ्लेक्शन है या नहीं। तो दोस्तों उसका आंसर है ना। दोस्तों उसके पीछे कारण ये है कि जो हमारी GDP है उसके अंदर एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर ये दोनों मिला के लगभग 75% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके अंदर सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 60% है और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 15% है। लेकिन क्या आपकी स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड हैं या जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके अंदर सर्विस सेक्टर 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है
क्या एग्रीकल्चर सेक्टर उसके अंदर 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ना। तो इसलिए जो एनालिस्ट हैं दोस्तों, उनका ये मानना है कि जो जीडीपी के अंदर सेक्टर्स हैं वो जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है उनका, उसी प्रपोर्शन में नहीं है जिस प्रपोर्शन में उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो इस वजह से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो है वो एक ट्रू रिफ्लेक्टर नहीं है स्टॉक मार्केट का या स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन का। उससे हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि स्टॉक मार्केट इस समय अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो दोस्तों ये तो बात होगी स्टॉक मार्केट की। अब दूसरा तर्क जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जहाँ पे इस रेशो का इस्तेमाल होता है मेनली वो है US, वहाँ पे 52% जो पॉपुलेशन है वो स्टॉक मार्केट में निवेश करती है, पर इंडिया में लगभग 4% के आसपास ही लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। US के अंदर जो सेविंग्स होती है हाउस होल्ड की, उसका लगभग 1/3 हिस्सा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाता है, पर इंडिया में ये सिर्फ 6% है। तो अगर मान लीजिए 100 रुपये सेव हुए, उसमें से सिर्फ 6 रुपये जो स्टॉक मार्केट में जाते हैं, तो दोस्तों इंडिया में सेविंग्स रेट जो है वो 30% है। तो अगर किसी ने 100 रुपये कमाए, उसमें उसने सिर्फ 30 रुपये बचाए, उस 30 रुपये का सिर्फ 6% जो है वो स्टॉक मार्केट में निवेश होता है, जो कि लगभग हो गया टोटल का 1.8%। मतलब जो 100 रुपये कमाए इंडियन हाउस होल्ड ने, उसके अंदर सिर्फ 1.80 रुपये ही स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। तो दोस्तों ये दूसरा तर्क दिया जाता है एनालिस्ट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया में निवेश है रिटेल निवेशकों का स्टॉक मार्केट में, वो प्रोपोर्शनेट नहीं है या वो उतना ज़्यादा नहीं है, वो एक बहुत कम प्रपोर्शन है या बहुत कम हिस्सा है। इसलिए हम जो GDP को मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जितने भी हाउस होल्ड हैं वो आपकी GDP में तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन नहीं है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में उनकी इतना निवेश नहीं है या उनकी उतनी हिस्सेदारी नहीं है। तो इसलिए हम जो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो है, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ये फाइंड आउट करने में कि स्टॉक मार्केट ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड। दोस्तों तीसरा तर्क जो एनालिस्ट्स के द्वारा दिया जाता है वो ये कि काफ़ी ऐसे बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं या सक्सेसफुल या प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए LG, सैमसंग, ह्यूंडई, पेटीएम या जो न्यू एज कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेक बाई ट्रिप, ओला, ऊबर, ये सब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जब तक ये कंपनीज लिस्टेड नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, वो एक ट्रू रिफ्लेक्टर नहीं है इकोनॉमी का। इकोनॉमी जो है चेंज हो रही है, वहाँ पे आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो ये न्यू एज कंपनीज हैं या न्यू एज सेक्टर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है। जब तक उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता स्टॉक मार्केट में, आप नहीं कह सकते कि जो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो है वो आपकी एक ट्रू रिफ्लेक्टर है स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन की। तो दोस्तों ये तीन कारण दिए जाते हैं एनालिस्ट के द्वारा, और उनका ये मानना है कि ये जो रेशियो है वो इंडियन संदर्भ में इतनी रेलेवेंट नहीं है जितनी कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के संदर्भ में है, जैसे कि US मार्केट। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी आपके सवाल थे मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो के संबंधित, वो सब आंसर करने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको अपनी ऐप पे या ईमेल पे मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया, आप उसे ज़रूर पढ़ लें। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया था। इसके अंदर मेरी आपको किसी भी तरह से कोई सजेशन सलाह नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में सेक्टर में निवेश करें या किसी भी तरह की पोजिशन लें बाय सेल या होल्ड की। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।